हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं बनाने वाला हूँ जगन्नाथ जी का ड्राइंग। जैसे कि आप सबको पता है 7 तारीख को राज यात्रा है, तो उसी कारण से मैं ये वाला ड्राइंग करने वाला हूँ। तो मैं इस ड्राइंग को मैं फर्स्ट टाइम मैं कैनवास के ऊपर बनाने वाला हूँ। ये कैनवास बोर्ड है डायल कंपनी का, जैसे कि देख सकते हो इसमें 110 का प्रिंट है पर मेरे को 65 का मिला। तो चलो फटाफट इसको अनरैप करते हैं। जैसे कि मैं पहले कट लगाने जा रहा था फ्रंट में, पर मैंने डर के मैंने पीछे लगा दिया क्योंकि मेरे को डर था मैं कट वट ना लगा दूं। तो चलो इसको फटाफट फाड़ लेते हैं। बाकी पीछे से मैंने कट लगा लिया। इसको प्लास्टिक से बहुत अच्छे से रैप करके रखा है और प्लास्टिक भी बहुत हार्ड है। इसको अनरैप कर लिया मैंने और इसका ग्रेन देख सकते हो कुछ ऐसा है। और इसके ऊपर मैं जैसे वैसे यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है और मैं होममेड में नहीं बनाने वाला अभी तक। तो चलो मैं बॉर्डर के लिए मैं 0.5 सेंटीमीटर चारों तरफ से मैं छोड़ दूंगा। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर 0.5 सेमी का मार्क किया और दूसरे साइड से भी मैं 0.5 सेमी का करूंगा और इस दोनों को मिला दूंगा। और सेम प्रोसेस से मैं जो चारों का कोना है मैं फटाफट कर दूंगा। तो जैसे कि देख सकते हो मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब मैं ग्रिड के लिए मैं ये वाला ड्राइंग मेरे को इजी लग रहा है, तो मैं इसके लिए मैं बड़ा बड़ा ग्रिड लूंगा। जैसे कि पहले मैं लूंगा 2 पे, उसके बाद जाऊंगा मैं 4, फिर 6, फिर 8 और 10, ऐसे करके मैं नीचे की तरफ भी लगा लूंगा और लाइन को मिलाते जाऊंगा। जैसे कि देख सकते हो मैंने लाइन को मिला लिया और अब मेरा ग्रिड कंप्लीट हो गया। अब मैं ड्राइंग पे आ जाऊंगा। आपको ग्रिड को देख के जहां पर भी सब्जेक्ट है आपको सिंपली ड्रॉ करते जाना है आउटलाइन को। तो चलो ये वाला वीडियो को आप इंजॉय। और अगर आपको ये वाला ड्राइंग मतलब पसंद आए आउटलाइन का ड्राइंग, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं कलरिंग करने वाला हूँ और इसके ऊपर मैं एक्रेलिक यूज करूंगा कैनवास बोर्ड के ऊपर में। तो चलो मैं फटाफट इस आउटलाइन को कंप्लीट कर लेता हूँ और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करो।